हाय, कैसे हैं आप सब। हमने ख़रीदा है MI का पावर बैंक जो कि 20,000 mAh का है। ऑर्डर किया है, देखते हैं किस प्रकार का। इसमें फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है जो कि किस प्रकार का ब्रांड निकलता है। तो आप देख सकते हैं पावर बैंक केवल लिखा हुआ है। खोल के देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें निकलती है। उसके अलावा 2A लिखा हुआ है, 20,000 mAh का ये हमने ऑर्डर किया है। और इस तरह का पैकिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो MI का ऑर्डर किए हैं वही दिया है या तो फिर कोई दूसरा ब्रांड इसमें पैक करके दिया गया है। पैकिंग तो अच्छी तरह से किया गया है। देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के, उसके ऊपर में प्लास्टिक का लगा हुआ है। ठीक है, ये तो इसमें कहीं ब्रांड तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, ब्रांड तो आपका नहीं दिख रहा है। हमने जो ऑर्डर किया, देख सकते हैं MI ZZ Gen 20,000 mAh का पावर बैंक, जो कि इसमें 3 USB दिया है, जो कि आपका 3 मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं एक बार में। यहाँ पे आपका पावर बटन दिखने को मिलेगा, आपका कितना परसेंटेज वो देखने को मिलेगा। और इसमें एक LED लाइट भी मिलेगा। आप देख सकते हैं ये LED लाइट प्लस यहाँ पे चार्ज भी कर सकते हैं। और ये आपका एक केबल मिलेगा जो कि आप अपने मोबाइल से चार्ज कर सकते हैं अपना फ़ोन को। उसके अलावा इससे आप चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास USB का जो आपका केबल होता है फ़ोन में, जो आप चार्ज करते हैं अपना मोबाइल, उसमें भी आपका लगा होता है, तो उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे केबल लगाते हैं और चेक करते हैं कि मेरा सही आया है या गलत। तो ये डिलीवर किया है बिना ब्रांड का। देख सकते हैं इस तरह लगाने के बाद यहाँ पे चार्ज, ये आपका ठीक दिख रहा है। इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। मगर हाँ, ये 20,000 mAh का जो आपका MI का है, मगर इसमें आपका कोई ब्रांडिंग नहीं मिल रहा है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो ब्रांडिंग हमने ऑर्डर किया था इसमें MI का ब्रांडिंग दिया गया या नहीं। हमको तो ये नहीं लग रहा है कि ये ब्रांड MI का है। इस वीडियो में इतना ही।